बढ़ के जो मुमालिक हैं वो IMF के सामने अपने घुटने टेकते थे, लेकिन एक दफा पहले भी ये न्यूज वायरल हुई कि इंडिया के सामने IMF ने अपने घुटने टेके। अब दोबारा से हम देखते हैं आज जो दुनिया भर में एक न्यूज वायरल हो रही है, IMF ने रिक्वेस्ट की है कि स्टार्ट की जाए आपकी दोबारा से एक्सपोर्ट, दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, वरना दुनिया में एक बहरान आ जाएगा, फूड क्राइसिस होने शुरू हो जाएंगे, उसमें बहुत से मालिक हैं और पाकिस्तान भी उसकी लिस्ट में आता है। दूसरी तरफ हम देखें तो यूएस में पैनिक होने लगे हैं, जो लोग इंडिया की वीट को लेते थे आज वो इस बहरान से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्पेशली जो वहाँ के गाहक थे, मैं कह सकती हूँ जो के मतलब शॉप वाले थे वो स्पेशली। अब जो वहाँ की दुकानें हैं या दीगर मुमालिक की दुकानें, उन्होंने अपने बैनर्स लगा दिए कि एक कस्टमर को सिर्फ एक थैला मिला करेगा, अब और थैले नहीं मिलेंगे, जिससे कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी उठा रहा है या फिर और भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो क्या वजूहत है इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट रोकी, और सेकंड थिंग कि IMF उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो इंडिया ने एक चीज एक्सपोर्ट करने से बैन नहीं की है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, शुगर है, व्हीट है, कुकीज हैं, ओट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया ने बैन करी हैं यानी कि एक्सपोर्ट करने में। और आपको बता दूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ किसी चीज की होती है या जो सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो चावलों का ही है। तो बासमती चावल बाहर बैन करना, इसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीजन तो हमें नहीं पता चला, ना ही ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल के आई है, मगर आपने बोला कि इसमें IMF जो है इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है कि IMF को ये चीज पता है कि जितनी भी कंट्रीज है वो उनसे लोन लेती हैं, यानी कि लोन लेके ही यानी कि अपना जो है अपना बिजनेस इकोनॉमी वगैरह जो है स्ट्रांग करती हैं। अब IMF इसके बीच में इसलिए आया क्योंकि ये साफ साफ प्रूव हो जाता है कि अगर IMF से बाकी कंट्रीज ने लोन लिया है तो अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट चावलों का बंद कर देगा तो अगर वहीं से चावल उनको महंगे लेने पड़े तो कहीं ना कहीं कंट्रीज में जो उनका लोन है वो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए IMF जो है इस चीज में इन्वॉल्व हुआ है कि इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है जो आपने चावलों पे बैन लगाई है एक्सपोर्ट होने के लिए वो आप हटा दें, और उसी के साथ साथ शुगर यानी कि कुकीज या ओट्स वगैरह जिन पे सब पे बैन लगी है वो सब हटा दें। आपने बोला कि यूएस, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने भी देखा कि किस तरीके से आज स्टोर्स पे लिखा हुआ है कि 1 पर्सन ऑन दी 1 बैग, यानी कि एक जो आदमी है वो सिर्फ एक ही बैग ले जा सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि एक बैग ले जा सकता है, उससे ज्यादा वो और बैग नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर वो ज्यादा बैग लेके जाएगा बाकी लोगों को चावलों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, ये जो है इस वक्त हमें सूरत हाल बाकी कंट्रीज का देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ यूएस बल्कि इंडिया जो है वो अपना एक्सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज में करती थी। और आपको तो पता है कि 2023 अप्रैल में मई में जो है इसको लागू किया गया था। अब इसके बाद क्या नए डिसीजंस लिए जाएंगे वो अभी तक नहीं पता, और जहां तक ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है तो वो भी यही आई है कि हम उसको उसपे ऊपर जो बैन है उसको नहीं हटाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बोला गया है जितनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप मतलब अब मुझसे जानना चाहते हैं तो सी, मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया जो है इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं राज कर रहा है। तो ये जो है ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री जो है आज पूरे साउथ एशिया में यानी कि एशियन कंट्रीज हैं या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं तो वहां पर आज इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। अब रही बात चावलों की, तो उसके पीछे की स्टेटमेंट या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी हमें नहीं देखने को मिली है। फिलहाल इस चीज को लेकर के क्राइसिस होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्पेशली पाकिस्तान एंड यूएस एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास चावल जो है वो इंडिया के ही जाते थे, तो वो भी बासमती चावल है। इट्स नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ चावल जो सिंपल हमें शॉप्स में मिलते हैं, बासमती राइस जिन्हें के बैन किया गया है। तो आई विश कि देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होगा। खाना अगर हम बात करें तो ये देखो ना, एक अगर जर्नल बात करें तो इंडिया जहां चीजें एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया का बेनिफिट है, इंडिया के अंदर डॉलर्स आएंगे, इंडिया के आगे रोजगार बढ़ेगा, इंडिया के अंदर पैसा आएगा, इंडिया की और ज्यादा मतलब पीछे बेनिफिट्स हम काफी चीजों को देखते हैं ना। अब इंडिया एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, काफी चीजों को बैन कर रहा है, क्यों ऐसी क्या रीजन लगती है कि इंडिया अपना बेनिफिट टुकड़ाई जा रहा है। पीछे हम देखें तो चाइना की BYD कंपनी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, चाहे 1 बिलियन था मान लिया थोड़ी अमाउंट है, अब इंडिया इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स को चुकड़ा सकता है तो 1 बिलियन क्या है, लेकिन फिर भी इंडिया क्या वजूहात है, क्या दुनिया को दिखा रहा है कि अब मेरे पास पैसा है, क्या दुनिया को दिखा रहा है मेरे पास पावर है तो मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कह सकता हूं, या ये वजूहात है कि फिर इसके पीछे भी अपने बेनिफिट्स हैं? अनम, पहली बात तो इंडिया को खुद को प्रूव करने के लिए ये सारे जो छोटे छोटे कारनामे हैं ये दिखाने नहीं चाहिए, मतलब दिखाने, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको खुद को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन नो कि इंडिया आज किस मुकाम पे है और वो क्या चल रहा है। मे बी हमारी कंट्री में चावल की ग्रोथ कम हो रही हो इस बार, दैट्स वाई जो है इंडिया ने उसको बैन किया हो ताकि हमारे लोगों को पहले मिले। एक्चुअली हम लोग जो लोग उगा रहे हैं अपने खेतों में, क्या हम लोग तो भूखे नहीं रह सकते ना। मे बी इस बार चावल की ग्रोथ कमी हो या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। तो जो आपने कहा कि इंडिया प्रूव कर रहा है कि आज इंडिया ये है, इंडिया के पास पावर, इंडिया के पास पावर पहले से थी, जब से देश आजाद हुआ था 1947 से इंडिया के पास पावर थी। इसलिए पाकिस्तान को हर जंग में उल्टा जवाब दिया है। रिसेंटली आपने देखा, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जरूर मेरे चैनल पे जाना, कश्मीर में करगिल दिवस सेलिब्रेट किया गया। वो 1999 की वॉर को याद किया गया जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 13 दिन जंग चलती रही और 97,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने हाथ खड़े किए थे और झुक के हिंदुस्तान की आर्मी से माफी मांगी थी और लास्ट पे जीत जो है वो इंडिया की हुई थी। तो ये जो एग्जांपल है ये इस चीज की है कि हम पावर में 1947 के बाद ही हैं। तो हमें पावर दिखाने के लिए मतलब उन कंट्रीज को क्या ही दिखानी है जो तो हमारी नजरों में भी नहीं आती है। रही बात इंडिया अमीर, तो इंडिया अमीर था, इंडिया अमीर है और इंडिया अमीर रहेगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर भाईचारा है, जहां पर इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहां पर अपने रिसोर्सेस है। कश्मीर की बात कर लो, अब कश्मीर हिंदुस्तान में एक ऐसा वाहिद जगह है जहां से यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारा पानी की वजह से हमें बिजली मिलती है। आफ्टर दैट हमारे फ्रूट, सेब, केसर, यू नो व्हाट काइंड ऑफ बादाम, खजूर, ये सारे जो रिसोर्सेस हैं, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज ये पूरे कश्मीर से ही देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के हर पार्ट में कहीं ना कहीं रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। रही बात पावर की, पैसे की, तो वो हिंदुस्तान के पास बहुत पहले से था और पाकिस्तानियों को प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं तो इतना बोलूंगी कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव माय कंट्री इन फ्रंट ऑफ यू पाकिस्तानीज, कॉज आप अपनी सिचुएशन देखो और फिर हमारी सिचुएशन देखो और उसके बाद आप मुकाबले की बात करो। बाकी तो इन फ्यूचर हमें पता चलेगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलेगी कि क्यों इस चीज को लेकर के बैन किया गया या क्या रीजन हो सकता है। मैंने आपको एक रीजन बोला कि मे बी इस बार ग्रोथ कम हुई हो जिसकी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना पहले अपने आपने देखा होगा जब हम फ्लाइट में सफर करते हैं तो फ्लाइट में हमें एक वहां पर सजेशन दिया जाता है कि जब अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता फ्लाइट क्रैश हो रही हो या ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले अपना मास्क पहनो, उसके बाद जो है दूसरों की हेल्प करो। तो वही सेम सिचुएशन भी हो सकती है। मे बी हमारे पास चावलों की ग्रोथ इस बार कम हो इसलिए हमने बैन कर दिया हो या और भी बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं। वो तब भी पता चलेंगे जब पूरी स्टेटमेंट जो है सामने निकल के आएगी। बिल्कुल सही उफाना, आपने बात की है कि कश्मीर के अंदर बहुत रिसोर्स है, कश्मीर के अंदर से बहुत सी चीजें जो कि इंडिया के अंदर भी जा रही है, पानी, चावल, खेत और उसके अलावा लकड़ी और भी बड़ा कुछ है। स्पेशली लिथियम की बात करें तो बहुत बड़ा मतलब ड्राफ्ट हुआ है वहां पर। अगर हम बात करें पानी की, क्योंकि मैं अपने आजाद कश्मीर को बहुत अच्छे से करीब से देख कर आई हूँ, समझती हूँ, तो मैं आपके कश्मीर को उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकती और ना ही इतना पढ़ा है मैंने उस पर, जितना पढ़ा उसके मुताबिक जानती हूँ। तो आप बहुत अच्छे से बता सकती हो जो आपका पानी है जिससे आपकी पन बिजली बनती है, क्या वो इंडिया खरीदता है? अगर खरीदता है तो उसके बाद आप जितने में खरीदता है उसके बाद फीडबैक में आप लोगों को कितने में मिलती है वो बिजली? पहली बात तो इंडिया हमसे खरीदेगा क्यों, हम तो इंडिया का ही पार्ट है। अगर हमारी स्टेट से कोई रिसोर्स निकल रहा है तो दैट विल हेल्प मैं बोलूंगी कि हमारी जितनी भी नेबरी स्टेट्स हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। दिल्ली में जब से सरकार आई है केजरीवाल की तो वहां पर बिजली फ्री है, एजुकेशन फ्री है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, बस में ट्रेवलिंग फ्री है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिल्ली में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जरूर इस बारे में रिसर्च कीजिएगा जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है। रही बात हमारी बिजली की बिल्स की, तो हमें पर मंथ उतनी ही बिजली की बिल आती है जितनी लाजमी है और जितनी स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हूँ, मेरे रूम में लाइट चल रही है तो मुझे पर महीने की बिजली की बिल 300 से 400 रुपए आती है और जो कि एक इंसान एफर्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है। ऑब्वियसली ये पानी कश्मीर का ही है और इसी के थ्रू जो है बिजली बना करके हमारे घरों में दी जाती है और 24/7 बिजली अवेलेबल रहती है। और अगर हमने किशन गंगा या फिर जो हमारे जिसे कि आप लोग नीलम कहते हैं, रिवर नीलम कहते हैं, अगर वो हमने इंडिया वालों ने बंद कर दिया तो फिर सवाल है कि आप लोगों के पास बिजली कहाँ से आएगी। तो देखो हमारा दिल कितना बड़ा है, हम लोगों ने तो आपका हमने अपना पानी भी दिया कि लो भाई कुछ नहीं तो बिजली ही बनाओ, कम से कम लोगों को रोशनी दो, पता चले कि हाँ आजाद कश्मीर में अगर रोशनी है तो वो हिंदुस्तान की ही दी गई है। तो बस दैट्स इट, बाकी तो कुछ नहीं। आना, अगर सवाल है मेरा, अगर आप लोग वहां पे पानी बंद कर देते हो लेकिन उसके भी तो नुकसान आपको भी तो है, जहां हमें है वहां आपको भी तो है ना। कौन से नुकसान? मुझे एक दो गिरा दो यार, एक दो गिना दो यार। पाकिस्तान के कौन से नुकसान हमें लग सकते हैं? नुकसान देखो ना, सबसे बड़ा जब इंडिया, हमारे अमूमन यहाँ पे ऐसा कहा जाता है इंडिया पानी छोड़ दिया सैलाब आ गया, तो मतलब जहाँ आपके पास वाफत होता है वहाँ आप छोड़ते हो तो फिर हमारे यहाँ सैलाब आता है क्योंकि हमारी नाअहली नाकामी के हमने डैम्स नहीं बनाए, हमारे पास आगे से मुकाबला करने के लिए चीजें नहीं है। तो जहां पर आप नहीं छोड़ोगे तो आपके मुल्क में भी तो नुकसान आ सकता है, आपके पास भी तो वाफत में पानी हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर हम आपको पानी नहीं छोड़ेंगे तो हमें पता है कि उस पानी को एडजस्ट कैसे करना है। हमारे यहाँ डैम्स बनी हुई है, हमारे यहाँ बिजली के बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सेंटर्स बने हुए हैं, हमारे यहाँ ब्रिज बने हुए हैं, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स है, हमारे यहाँ वाटर सप्लाई के लिए हर चीज है। तो हिंदुस्तान के कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि वो पानी के एक रिसोर्स को बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। रही बात पाकिस्तान की, जहां पर ना डैम्स है ना फैक्ट्रीज है ना कुछ है, तो वो क्या ही मुकाबला करेगा इंडिया का या वो क्या ही बात करेगा इंडिया की। सो बेटर टू टॉक ऑन नेक्स्ट थिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की उतनी हैसियत है कि वो इंडिया के बारे में बात करे, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है दैट एवरीवन नोज। और पाकिस्तान तो छोड़िए, आज यूएस जो है, यूएस जैसे कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है कि कंट्री अगर कोई है यूएस है, आज वो भी हिंदुस्तान के नीचे है और रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं आप हमें ये चीजें दे दो। तो आप खुद देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का लेवल क्या है इस वक्त। बिल्कुल। उर्फाना, एक और सवाल है मेरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कल एक स्टेटमेंट में देख रही थी, उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और उसको बनने से मतलब दूर ही नहीं है। मुझे बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट कितने सच होती नजर आ रही है? क्या कश्मीर जैसे कि हिंदुस्तान का एक पार्ट माना जा रहा है आफ्टर 378 आर्टिकल के मुताबिक, क्या हिंदुस्तान के अंदर भी वो सारी चीजें इस टाइम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में दी जा रही हैं? आपने पूछा कि आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है कि जो इंडिया है वो इकोनॉमी में 3rd नंबर पे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है इकोनॉमी बेसिस। तो अभी जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है वो ये प्रूव करती है कि हाँ हिंदुस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे करके टॉप 3 में चली जाएगी। अब आप ने बोला कि कश्मीरियों को इसका क्या बेनिफिट है, तो मुझे आप बोलो ना, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, आजादी चाहिए बोलने की, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, एक अच्छी जॉब चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत जल्द तरक्की करेंगे। कश्मीर में इस वक्त SSP हंदवारा एक फीमेल है और वो कश्मीरी है। इस वक्त DSP जो कि अपने डलगेट वाले साइड से है मंशा, शी इज ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर। इसके बाद उड़ी में जो इस वक्त SHO है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर। DC जो है बारामूला इस टाइम वो भी फीमेल है और शी इज ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर। इस वक्त जो हमारे मेयर हैं कश्मीर के, ही इज ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर। सो इज दैट मीन कि कश्मीर के ही लोग आज कश्मीर को संभाल रहे हैं। तो देन व्हाट एल्स वी नीड, यहाँ पर आता है ये अपोस्ट्रोफिस एस में लगाऊंगी, व्हाट एल्स वी नीड्स, और क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी कि हाँ भाई हमें अब और क्या चाहिए जब हमारे पास सब कुछ है। आर्टिकल 370 के बाद की अगर मैं बात करूंगी तो देखिए, मैं पहले भी बोलती हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे, डिबेट देखे होंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चोर है उसको मैं चोर ही बोलूंगी। अगर बीजेपी चोर है तो वो चोर है। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कश्मीर में 70 साल कब्जा किया और सिर्फ अपने घर भरे, वो भी चोर है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज का सीन था कि सिर्फ खाओ, हम सिर्फ खाएंगे। आज जो बीजेपी आई है उसका ये सीन है कि नहीं, खाओ भी और खिलाओ भी। तो ये जो कंसेप्ट लेके बीजेपी चल रही है कश्मीर में, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी, जैसे मेरे भाजपा के लीडरों के साथ इंटरव्यूज होते हैं, मैं कल ही एक इंटरव्यू डालूंगी, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के अशोक कौल साहब, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, मैं अपने चैनल पे डालूंगी। तो मैंने उनसे बात साफ साफ पूछी है कि आप बोलते हैं कि इस बार 50 के पार, तो किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि कश्मीर से हम 50 सीटें लेंगे, तो क्यों लेंगे और कैसे लेंगे और लोग आपको क्यों सपोर्ट करेंगे। वहां पर उनकी जो स्टेटमेंट है वो काफी क्लियर है, काफी क्लियर। आपको मैं स्कीम से आगाह करा दूं, गोल्डन कार्ड स्कीम, यानी कि 5 लाख तक का फ्री मेडिसिन हम ले सकते हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जिसमें हर गांव-गांव जाके स्कूल और कॉलेजेस में बेटियों का एडमिशन किया जाता है। लाडली बेटी स्कीम, वो स्कीम के हर महीने हर बेटी के अकाउंट में 1-1 हजार रुपया भरा जाता है, और जब वो 21 साल की हो जाती है तो फिर वो अपने पैसे निकाल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, सब कुछ। फ्री राशन स्कीम, फ्री राशन स्कीम ये है कि आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आपको 10 रुपए के 20 किलो चावल फ्री मिलेंगे। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें आज तक मतलब दिया गया। यस, डेफिनेटली तरक्की हर जगह होती है, डेवलपमेंट हर जगह पर होती है, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद काफी बेनिफिट जो है वो कश्मीरियों को देखने को मिला। हमारा अपना बहुत रिसोर्स है, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो एप्पल का है, आपको पता होगा। फ्रूट में कश्मीरी सेब जो है वो ऑल ओवर दुनिया में खाया जाता है, चाहे वो हरा हो, लाल हो या येलो वाला हो। तो वो तो हमारे पास अपना रिसोर्स है। एंड सेकंड हमारा जो है टूरिज्म। तो आर्टिकल 370 के बाद जितने टूरिस्ट पिछले सालों में नहीं आए थे उतने सिर्फ 2 साल में आए हैं। इट्स अराउंड 3 और 4 लाख टूरिस्ट जो कि इस बार कश्मीर आए और उन्होंने कश्मीर घूमा। और उसमें बेनिफिट किसको है? हम कश्मीरियों को है। हमारी चीजें यूज हो रही हैं, हमारे होटल्स यूज हो रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स यूज हो रहे हैं, हमारी पार्क्स में, मुगल गार्डन्स में जा रहे हैं, तो वो पैसे दे के जा रहे हैं, टिकट के पैसे हैं। अब एक और चीज है कि हाँ भाई, हम टैक्स भरते हैं, टैक्स हम जरूर भरते हैं, टैक्स हम भरते हैं, लेकिन उसका हमें बेनिफिट भी उतना ही मिलता है। सो व्हाट एल्स वी नीड, अनम। आई होप कि ये तुम्हें समझ आ गया हो कि क्या कश्मीरियों के पास है और क्या कश्मीरियों को और चाहिए। बाकी तरक्की जो है वो हर एक को मिलेगी। G20 की मीटिंग्स हुई कश्मीर में, बट उसका रिजल्ट मुझे कुछ भी नहीं अभी देखने को मिला। बट आई एम ईगरली वेटिंग के G20 की मीटिंग्स का रिजल्ट सामने आए। पोलो व्यू के मार्केट को अगर अनम कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह अगर टाइम हो तो मैं आपको पोलो व्यू का मार्केट दिखाऊंगी। कुछ पहले की फोटो सेंड करूंगी, और मैं आपको लाइव लाल चौक से, क्योंकि मैं अभी कश्मीर में हूँ तो मैं आपको लाइव लाल चौक से लूंगी। और आप देखना कि लाल चौक इस वक्त जो है ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो पूरी जितनी भी हमारे स्टेट्स में, हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी सिटीज हैं, सबसे टॉप पे आता है। सो आई डेफिनेटली शो यू दैट थिंग। तो डेवलपमेंट तो हुई है। बाकी आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो चोर है वो चोर है, दैट्स इट। बिल्कुल सही उर्फाना, और आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो कि पहले कश्मीरियों के लिए नहीं थी, कश्मीरियों के पास नहीं थी, आज मिलने के बाद कश्मीरियों के लिए दिलो जान से सिर्फ और सिर्फ अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपनी भारत, अपना भारत, अपना देश, ये सब कुछ अब बहुत ज़्यादा और क्लोज हो गया हुआ है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। दूसरी जानब अपने कश्मीर की, हम अपने कश्मीर की बात करें तो जहाँ पर हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, बट वहाँ पर रोटी की तंगी की वजह से आज उनकी स्टेटमेंट बदल गई है। कल वो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तो इसी तरह होता है, रोटी, भूख,